गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर दोबारा से। आज हम बात करेंगे अपने सेकंड क्लास की। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके तहत हमने बात की थी सबसे पहले फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद हमने बात की थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन क्या थी, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन क्या थी। यानी हम ऑलरेडी देख चुके किस तरह से जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, बाई एक्सपोर्टिंग द थ्री वाइटल सेक्टर ऑफ इंडियन इकॉनमी इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट द व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो मेनली अगर कंसिडर करें फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो उस समय कैसी थी, इसमें हम दो चार बातों को कंसिडर करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी गुड्स। अब इसके बारे में मुझे समझ लेना है कि जिस समय इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लोटेशन किया जा रहा था उसी समय ब्रिटेन में जो इकोनॉमी थी उसने एक नया रेवोल्यूशन आया था, ठीक है। उसी रेवोल्यूशन को एक्सलेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, इंडिया को एज ए लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स यानी रॉ मटेरियल के एक बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर उन्होंने कंसिडर किया, ठीक है। सेकंड पॉइंट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स और कैपिटल गुड्स। दूसरा जो पॉइंट था फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वो ये था कि जब हम बात करें फिनिश गुड्स की जो ब्रिटेन इंडस्ट्री में बनते थे, जो ब्रिटिश इंडस्ट्री में बनते थे उनके लिए जब मार्केट की बात करें तो उन्होंने मार्केट को भी किसके लिए कंसिडर किया, यानी मार्केट के तौर पर भी जब बात आती है फिनिश गुड्स को सोल्ड आउट करने की, उनके कंजप्शन की, तो उन्होंने उस मार्केट के लिए भी किसको कंसिडर किया, इंडिया को, ठीक है। द थर्ड वन इज मोनोपोली कंट्रोल ओवर द फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड में थर्ड पॉइंट ये भी आता है कि जो उस समय का फॉरेन ट्रेड था या इंटरनेशनल ट्रेड था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस उसके ऊपर एक मोनोपोली कंट्रोल था किसका, ब्रिटेन जो रूलर थे उनका, ठीक है। उन्होंने उस फॉरेन ट्रेड को अपने हिसाब से चलाया, यानी उस समय की कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो मोर देन 50% ऑफ इंडिया टोटल फॉरेन ट्रेड वो केवल और केवल डील करता था ब्रिटेन के साथ, ठीक है। तो उस समय की अगर फॉरेन ट्रेड की कंडीशन में बात करूं तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो फॉरेन ट्रेड था वो हमारा क्या था, सरप्लस था, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो वो हमें क्या शो कर रहा था, सरप्लस। अब सरप्लस का मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस कब शो करेगा, जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है किससे, इंपोर्ट से, ठीक है। यानी आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर देते और इंपोर्ट कम कर देते, लेकिन सरप्लस ट्रेड का बेनिफिट भी इंडियन इकोनॉमी को नहीं मिला क्योंकि जिन गुड्स में उनको रिक्वायरमेंट थी अभी सरप्लस ट्रेड को वो उसके लिए वहां पे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो आई होप फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहां पे अपन बात करते हैं दो वाइटल पॉइंट की। इस वाइटल पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है ग्रोथ और दूसरा है डेवलपमेंट। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जब हम ग्रोथ की बात करेंगे या किसी इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करेंगे तो हम एनालाइज करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ थ्री वाइटल सेक्टर विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। ऑन दी अदर एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड डेवलपमेंट दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, कि उस समय की इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट थी उस डेवलपमेंट को हम कंसिडर करेंगे कि जो उस समय के लोग थे उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था। नाउ लिविंग स्टैंडर्ड डिफाइंड होता है थ्री वाइटल पॉइंट है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका डेमोग्राफिक कंडीशन या डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल को हमने तीन स्टेज में डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेज में क्या था, इस फर्स्ट स्टेज में क्या था, बर्थ रेट भी हाई थी और डेथ रेट भी हाई थी, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या था, हाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेज में अगर मैं बात करूं तो जो 1921 का जो फेज था उसके बाद जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो एकदम से क्या हुई, एक्सेलरेट हुई। यानी 1920 से पहले जो पॉपुलेशन थी वो पूरी तरह कंट्रोल में थी, लेकिन जो इंडियन पॉपुलेशन का एक लार्ज स्केल पे जो इनहेंस होना था वो 1921 के बाद स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो बर्थ रेट यहाँ पे ज्यादा थी और डेथ रेट भी यहाँ पे ज्यादा थी। सेकंड स्टेज में बात करें यहाँ पे ना ही तो बर्थ रेट ज्यादा थी ना ही डेथ रेट ज्यादा थी और ना ही पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज्यादा हुई थी। थर्ड पॉइंट में अगर बात करें सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर, सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं सबसे पहले आता है आपका लिटरेसी रेट, वो उस समय था लगभग 16% अगर बात करें मेल्स की। अगर इसी को मैं फीमेल के रिगार्डिंग कंडीशन करूं तो ये था 7%। वहीं अगर बात करें इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है कि इट इंक्लूड दोज चिल्ड्रन हु इज गेटिंग डाइड बिफोर द एज ऑफ वन ईयर, ठीक है। दोज चिल्ड्रन हु इज गेटिंग डाइड बिफोर द एज ऑफ वन ईयर कॉल्ड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एंड दैट इज 218 per 1000 एट दैट टाइम। यानी उस समय क्या था कि 1000 बच्चों में से 218 बच्चे ऐसे होते थे जो एक साल की एज से पहले क्या होते थे, जिनकी डेथ हो जाती थी। एट प्रेजेंट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 34 per 1000 है, ठीक है।
तो ये बता देता है कि जो हेल्थ सेक्टर है उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आता है सोशल डेवलपमेंट में वो आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसमें जो औसत जीवन दर थी दैट इज 44 इयर्स एंड नाउ इट इज 69 इयर्स। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट व्हिच इज रिलेटेड टू द सोशल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं रिकॉल कर देता हूं, लिटरेसी की बात करूं, मेल के केस में 16% था और फीमेल के केस में कितना था 17%। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात करूं तो जो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इज 218 पर 1000 एंड एट प्रेजेंट इट इज 34 पर 1000। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात करूं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो औसत एज होती थी दैट इज 44 ईयर एट करंट टाइम इट इज 69 ईयर। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले बात करें रोड्स की, तो जो ब्रिटिशर थे उन्होंने रोड्स को डेवलप किया, लेकिन रोड्स को डेवलप करने के पीछे मेन मोटिव उनका क्या था कि उनके जो गुड्स थे या इंडिया से जो एक्सपोर्ट उनको करना था, इंपोर्ट जो करना था, इन रोड के माध्यम से उनको पोर्ट वगैरह पे, एयरपोर्ट वगैरह पे क्या करते थे, वो लेके जाते थे। यानी जो रोड्स उन्होंने डेवलप किए उनका बेनिफिट केवल उन्होंने अपने लिए लिया, यानी उन रोड्स के डेवलपमेंट होने का सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिला, ब्रिटिश को। अगर बात करें रेलवे की तो ये एकमात्र पॉजिटिव इंपैक्ट था जो इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने दिया। लेकिन रेलवे से क्या हुआ कि सबसे पहली बात क्या हुई, लोग एक लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल करने लगे। दूसरा क्या था कि जो ब्रिटिश से फिनिश गुड्स आते थे या जो रॉ मेटेरियल होता था उसका ट्रांसपोर्टेशन भी जो ब्रिटिश थे अपने फायदे के लिए किसके माध्यम से करते थे, रेलवे के माध्यम से। ठीक है, यानी उनको अगर अपनी सेनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, उनको जो इंडियन लेबर है जो चीप रेट्स पे अवेलेबल है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है, तो केवल और केवल रेलवे को उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, दूसरी ओर बात करें वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो यहां भी जो बेनिफिट मिलने थे इंडियन इकोनॉमी को, उन बेनिफिट्स का भी सीधे सीधे फायदा किसको पहुंचा, ब्रिटिश को। यानी वाटर ट्रांसपोर्ट में जो समुद्र में या नहरों के नदियों के माध्यम से जो वाटर ट्रांसपोर्ट वगैरह किया जाता था उसको भी मेनली वो किसके लिए इस्तेमाल करते थे, अपने बेनिफिट के लिए करते थे, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करते थे। वही बात करें पोस्टेज की, तो पोस्टेज की फैसिलिटी उस समय क्या थी, इन एलोकेट थी, यानी वो ना ही इतनी ज्यादा अच्छी थी और ना ही इतनी ज्यादा लो स्टैंडर्ड की थी। ठीक है, वहीं अगर बात करें टेलीग्राफ सेक्टर की, तो टेलीग्राफ सेक्टर में बात करें कि उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ की फैसिलिटी को डेवलप किया, लेकिन यह बहुत ज्यादा कॉस्टली थी और इसके कॉस्टली होने के कारण जो इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्री थी या जो इंडियन इकोनॉमी के इंडस्ट्री थे उस समय बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन इंडियन इसका बेनिफिट नहीं हो पाया। यानी जो फैसिलिटी टेलीग्राफ के फॉर्म में उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को प्रोवाइड की, जो हाईली कॉस्टेड थी उसका बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को नहीं मिला। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो किस किस सेक्टर में डिवाइडेड है। ठीक है, यानी कौन सा ऐसा सेक्टर है जो ज्यादा जॉब्स ऑफर करता है, जिसने ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर रखा है, या ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन कौन से सेक्टर के ऊपर ज्यादा निर्भर करती है। तो ऑक्यूपेशनल सेक्टर में मेनली क्या है कि वर्कफोर्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे वर्कफोर्स में सबसे पहले आता है मेरे पास प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में लगभग 70-75% वर्किंग पॉपुलेशन क्या थी, उसमें डील करती थी। वहीं बात करें अगर सेकेंडरी सेक्टर की, तो यहाँ पे केवल 10% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन क्या था, इसके ऊपर डिपेंड करता था। टेरिटरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 15-20% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो रहती थी। ठीक है, लेकिन यह चीज मुझे ध्यान रखनी है, जब बात करें बाकी वर्कफोर्स इन वेरियस सेक्टर, जिसमें हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग जो वर्किंग पॉपुलेशन था उसका 72-75% डिपेंड करता था। वहीं अगर बात करें सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्री सेक्टर की, तो उसमें वर्किंग पॉपुलेशन का 10% उसमें डिपेंड करता था। वहीं अगर बात करें टेरिटरी या सर्विस सेक्टर की, तो वो 15-20% वर्किंग पॉपुलेशन का बर्डन एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से आपके ऊपर लेता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर रीजनल वेरिएशन से अगर बात करें, तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे ध्यान रखनी है, द मद्रास प्रेसिडेंसी, इन्होंने जो एक अवेयरनेस वगैरह जनरेट की, अवेयरनेस जनरेट की, जिसमें मेन मोटिव क्या था, ये चाहते थे कि जो प्राइमरी सेक्टर पे बर्डन है किसका, एम्प्लॉयमेंट का, उसको शिफ्ट किया जाए सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो इनके एफर्ट से अगर बात करें, मद्रास प्रेसिडेंसी के एफर्ट से क्या हुआ कि जो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर बर्डन था वो धीरे धीरे शिफ्ट होकर किसके ऊपर चला गया, सेकेंडरी या टेरिटरी सेक्टर के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद अगर हम बात करें कुछ स्टेट्स की, जिसमें हम मेनली कंसिडर करते हैं ओडिशा और राजस्थान को, सारे प्रयास के बावजूद इन स्टेट्स में जो प्राइमरी सेक्टर था उसके ऊपर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर या मैं कहूं एम्प्लॉयमेंट का बर्डन लगातार इसके ऊपर बढ़ता चला गया। ठीक है,
अब इस चैप्टर में अगर बात करें, आगे एक पॉइंट बचता है जो कि व्हाट आर द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश ऑन द इंडियन इकोनॉमी, तो इसके रिगार्डिंग मुझे अगर कंसीडर करना हो मेनली मैं कंसीडर करूंगा रेलवे को, रेलवे अगर बात करें, उसके बाद हम बात करते हैं रोड्स की, हम बात करेंगे टेलीग्राफ की, बात करेंगे कम्युनिकेशन की, बात करेंगे, तो इनके बारे में मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी बुक्स वगैरह में लिख रखे हैं, तो उनको एक बार वहां से आप डिटेल में डिस्कस कर लेना, उनको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू।